अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अप्पू भाई। हेलो। हाँ अप्पू भाई। हाँ भाई, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा अच्छा अरे वो जरा से पूछना था, जो नमाज बस खाली हो गई है भाई? क्या नमाज से खाली हो गए? नमाज खत्म? जी 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 खाली हो गया। बताइए आप कौन? हम शाहरुम गाजीपुर से बोल रहे हैं। अच्छा शाहरुम भाई, सब कैरियर से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। वो थोड़ा सा समझना था कि जो तहियात में उंगली को हरकत देते हैं, तो हम मिसकात में देखे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो हरकत नहीं देते थे, तो एक कंफ्यूजन हो रहा है। और तो एक हम हदीस देखे हैं कि वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, तो हरकत देते थे उंगली को, वही कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा था, तो हम कहें थोड़ा सा समझ लें भाई। देखिए अब उसके बारे में तो इंशाल्लाह बता ही देते हैं, पहले जो मेन आपको करना है वो बता देते हैं, ठीक है जी। हाँ भाई, ये जो हदीस आती है मुस्लिम में आती है, ठीक है, सही मुस्लिम में, और हदीस का नंबर 580 है। अच्छा। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जब जो कायदा होता है नमाज का, उसमें जब भाई अल्लाह के नबी बैठते थे तो अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों जो ये कटोरे होते हैं घुटने, उन पर रख देते थे, और अपनी दाहिनी उंगली जो अंगूठे के जो पास में होती थी उसको उठा लेते थे, और उसके साथ अल्लाह के नबी भाई क्या मांगते थे? दुआ मांगते थे। दुआ मांगते थे। अब इसके साथ मतलब भाई वो मांगते थे दुआ, इसका माना जो है वो मतलब भाई इस टाइप से है कि जो जिसको आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, मतलब ये कलमे की उंगली, शहादत की उंगली, अरबी में तो उसको बोलते हैं गालिबन वो ये शब्बाबा, तो शब्बाबा को हम लोग उठाएंगे और उसको ऊपर नीचे हरकत देंगे, और उसके साथ हम लोग को मांगना है दुआ, ठीक। अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने बयान किया कि अल्लाह के रसूल आप जब भाई उसमें जाते नमाज में, ठीक है, और कायदे में और अत्तयात मतलब जिसमें पढ़ते हैं उसमें बैठते, तो अपना जो वो जो हाथ होता है दाया हाथ, वो अपने दाएं मतलब जो साइड की जो रान होती है उस पर रखते, और जो बायां हाथ होता है उसको बाएं साइड की जो रान भाई होती है उस पर रखते, ठीक। और जो उंगली होती है शहादत की उसके साथ इशारा करते जी, और अपनी जो आंखें होती उसको जो मतलब जो मतलब जिस उंगली से हरकत देते हैं उस पे रखते, ठीक है। मुस्लिम की हदीस है ये, इसका भी हदीस का नंबर है 579। आप दूसरा देखते हैं मेरे भाई, ठीक है, मुस्लिम शरीफ की मतलब भाई ये हदीस है जो 580 वाली हदीस जो हमने आपको बताई है, ठीक है, उसी में आता है, ठीक है, हवाला है ये, ठीक है, उसका मजकूर का, और उसमें भी हदीस का नंबर 580 है, ठीक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी, ठीक है, दाएं हाथ की जो तमाम जो उंगलियां जो होती थी उसको एकदम बंद कर लेते, और अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है उसको मतलब जो वो काबा होता है किबला रुख करके उसके साथ इशारा करते। अब इशारा करते आ रहा है ना जी जी, ये तो नहीं आ रहा है कि बस भाई वो ला इलाहा पे उठाते और इल्लल्लाह पे उसका मतलब भाई वो गिरा देते, ये तो दुनिया की कोई हदीस से साबित नहीं है। इशारा तो मालूम है, इशारा के लिए तो हदीस से हम पढ़े हैं, लेकिन हरकत वाली वही थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए अंधेरा से कि इशारा के लिए तो बैठते ही इशारा करते तो हर हदीस में आया है, मुस्लिम की भी हम पढ़े हैं, तो इशारा करते हैं वो। हाँ तो वाइल बिन जो आपने बताई थी वाइल बिन वाली, ठीक है, हजर वाली, जी। उसमें हदीस में मतलब भाई पूरा उसमें जो तरीका होता है उसमें मतलब एकदम वाजे हो जाएगा। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर है 726, उसमें आता है कि वाइल बिन हजर, ठीक है, वो फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ठीक है, जब कायदे में मतलब जब बैठते तो दोनों उंगलियों को आपने मतलब भाई एकदम भाई वो बंद कर लिया,
और अंगूठे, और जो उसके बाद जो मतलब जो बीच वाली जो उंगली, जो मतलब जो पहली जो उंगली होती है अंगूठे के पास वाली, उसको जोड़ के एक आपने बना लिया हल्का, और जो मतलब जो उंगली होती है कलमे की शहादत की, उससे आपने इशारा किया, तो बस हाँ वाजे हो गई। वो तो पढ़े हैं हम, अब पढ़े यही हैं। रावी मेरे भाई दूसरी हदीस में बयान करते हैं, यही सेम रावी, ठीक है, नसाई शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 990, और यही हदीस आती है इब्ने हब्बान में, उसमें आती है 485 में, उसमें क्या आता है कि वाइल बिन उसमें गालिबन, हाँ यही आता है, वाइल बिन हुजर, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने उंगली उठाई और आपने उसको ऊपर नीचे क्या किया, हाँ, हरकत हरकत दे दी। हरकत दी, उसको हिलाते थे भाई। ये मतलब सारी हदीसों को जब मतलब भाई आप इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह के नबी जब कायदे में बैठते और जब तक मतलब भाई वो मतलब जो वो दुआ होती उसको पढ़ते, तो अपने जो उंगली होती उसको हरकत देते। अब दुआ क्या है, इसमें इख्तलाफ है, बाज ने कहा कि नहीं जो अत्तयात है, अत्तयात एक दुआ है, बाज ने कहा कि नहीं अत्तयात के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह, भाई वो भी एक दुआ जरूर है, और बाज ने कहा कि नहीं दुआ तो लास्ट वाला है जो हम लोग पढ़ते हैं, दुआ, ये अल्लाहुम्मा इन्नी, या मतलब भाई जो हाँ और दुआ दुआएं साबित मकबूरा है भी रब्बना करते हैं। आतैना, तो लोग उस पे लाते हैं। अब बाज लोग शुरुआत से आखिर तक हरकत देते हैं, बाज लोग भाई वो अत्तयात के बाद देना स्टार्ट करते हैं, बाज लोग जो एकदम लास्ट में पढ़ते हैं दुआए मासूरा उस पे हरकत देते हैं। तो इसमें से आपकी चॉइस है, जो आपको बेटर लगे आप, लेकिन इशारा कीजिए। नहीं इशारा तो करते हैं हम, शुरू से हरकत देते हैं। अब कितना दिन से हम हरकत देते हैं उंगली को, लेकिन वही यार थोड़ा से पढ़े तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कहीं कोई टोक न दे, कोई बहुत सबूत ना हदीसें आई हैं मिले, भाई, ठीक है, इब्ने माजा की इसीलिए। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मतलब भाई कायदे में अपनी उंगली से हरकत देता है, वो हरकत जो शैतान होता है उसके सीने पे लोहे की शाख से ज्यादा जो मतलब सख्त एकदम भी भाई टाइट होती होती है, सख्त वार उसके ऊपर एकदम पड़ता जी है। तो अगर कोई चाहता है शैतान को भैया वार मतलब भाई वो देना, तो भाई वो कायदे में बैठ के भाई जब वो अपना पढ़ता है दुआ, तो उंगली को जी हरकत दे और उंगली को अपनी आंखों से हमको देखना है, ठीक हाँ है, पूरी इशारा नमाज में हमको देखना है, जहाँ पे मतलब भाई वो हम करते हैं सजदा, तो वहां पे हमको देखना है, लेकिन खास मतलब कायदे में जब हम जी उंगली को अपने उठाएंगे तो उंगली को देखेंगे, और उंगली को जब हरकत देंगे तो फिर जी क्या उंगली को देखेंगे, जी बाकी पूरी नमाज में हमको भाई हम लोग जहाँ करते हैं सजदा वहां पे देखना है। हाँ तो वही हमें थोड़ा से कंफ्यूजन होने लगा, तो हमको थोड़ा समझ लें, उसके नीचे कुछ जईफ हुई भी नहीं दिखा था, नहीं हदीस जईफ है, तो हम कहें कि कुछ वो किसमें देखा था आपने? मिस्कात में हम देखे थे, उस मिस्कात हाँ शरीफ मिश्कात में में, हाँ माशाल्लाह, मतलब उसमें सारी मतलब जो कुतुबे मतलब भाई उसकी है, ठीक है, सित्ता की पूरा हदीसें, डिटेल है, उसमें नमाज की मेन पूरी मेन डिटेल हदीसें हैं, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी नसाई इब्ने माजा, भी है। उसमें मतलब काफी सारी हदीसें हैं एक ही बुक में, जी उसमें मोबाइल भी में है। लोड किए हैं, मोबाइल में लोड किए हैं, बुखारी मुस्लिम और मिसकात, ये तीनों लोड हैं, तो उसे जी, देख लेते हैं। तो हर नहीं, बहुत अच्छी जगह बात है, हम मुस्लिम में देखें तो इशारा का जिक्र मिला लेकिन हरकत का जिक्र नहीं मिला, तो हम इसमें देखें तो इसमें वही एक जगह है, एक जगह नहीं करने की बात देखिए की। इशारा ही तो हरकत है, ऊपर नीचे उंगली से भाई हम मतलब वो इशारा कर रहे हैं, तो वही हरकत है। अब एक अमल के दो नाम हो रहे हैं यहाँ भाई, अल्लाह के नबी जब तक दुआ में बैठते तब तक उंगली से इशारा करते, अब बाज ने उसको कह दिया कि जब तक अल्लाह के नबी भाई वो कायदे में, ठीक है, मतलब भाई वो पढ़ते दुआ तब तक अपनी उंगली से हरकत देते, तो इशारा करते ये हरकत देते, बात तो एक ही है ना, अमल तो एक ही साबित हो रहा है ना, कि उंगली को मेरे भाई ऊपर नीचे एकदम हल्का हल्का हिलाना है, ताकि शैतान के ऊपर जो वार होता है वार पड़े। अब कोई कहता है भैया ये क्या है यार, ये मतलब ये तोता और चिड़िया और मैना और ये सब क्या कर रहे हो, तो भाई ये वार अल्लाह के नबी ने तो कहा था कि ये शैतान के ऊपर पड़ता है, अब हमें नहीं पता था कि बाज लोग शैतान हो गए जो उंगली को हरकत देना उनके ऊपर मतलब इतना भारी पड़ रहा है।
तो हम वही भी क्या इसी बात में है। करते हैं, हम अकेले ही हैं, करते हैं सब इसी तरह से, जो तरीका सही है सुनते नमाज सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है उसी जी तरह जी के करते हैं। तो लोग थोड़ा फैसला करते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कि पूछ दें हमसे, कहे कि हमारे पास जवाब है, उनको दिखा देंगे साहब। तो हाँ सही बात है। क्योंकि आमतौर से दूसरे से लोग दूसरे से यही तो बदलाते हैं गलती क्या। आप लोग की ना, आप लोग कह देते तो बस हमसे जो बोलेगा हम उसको दिखा देंगे। अरे आप तो बाद में दिखाओगे ना, पहले कहना जो आप लोग जो मेरे भाई जो जो ये जी एक बार खाली ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे, ठीक, उसके बाद जो उंगली को उठाते हो, ये तो मेरे भाई दुनिया की किसी हदीस से साबित नहीं है। पहले उसकी तो हदीस दो। हाँ, सही कह रहे हैं। चलिए हाँ हम तो मेरे भैया नमाज में चिड़िया उड़ मैना उड़ खेल रहे हैं, चलिए ठीक, हमने मान लिया। आप जो एक बार तो आप भी खेल ले हो ना, अगर हाँ, हम वही चिड़िया तो बात भाई है। उड़ा रहे हैं बार बार, तो एक बार तो आप भी उड़ा रहे हो। नहीं, हमें ये भी समझ में आया कि अगर कोई हमें टोकेगा तो हम कह देंगे, जैसे हम अगर नहीं हरकत देने वाली दलील देगा कोई, उस पर हम ये कहेंगे कि आप भी तो एक बार हरकत देते हैं, क्यों देते हैं? जब नहीं हरकत देना है तो आप एक बार क्यों देते हैं? अभी कोई पूछे नहीं है, नहीं तो उनका भी हरकत देना तो गलत हो जाएगा ना, अगर हरकत एकदम से नहीं ममनूमिया है। तो उनके वहां गलत कैसे होगा, वो तो हनफी है ना। हनफी मजहब पे जो चलेगा भैया वो बख्शा बख्शाया है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला के ताल्लुक से आता है, ठीक है, दुर्रे मुख्तार, उसकी मेरे भाई गालबन वो जिल्द एक और सफा नंबर 44 पे, कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला जब भाई अरब गए, ठीक है, जी तो वहां पे मेरे भाई जो काबा होता है उसकी चाबी ली और उसके जी अंदर गए नमाज पढ़ने, और 2 रकाते नमाज ऐसी पढ़ी कि एक टांग पे खड़ा हो के आधा कुरान, फिर दूसरी जी टांग पे खड़ा हो के आधा कुरान, फिर अल्लाह सुबहान तआला से दुआ की, आवाज आई गैबी कि जी ऐ नुमान हम तुम्हारी इबादत से खुश हुए, अब हमने तुमको हमने माफ कर दिया, बख्श दिया, और तक कयामत तक जो तुम्हारे मतलब जो भी तरीका मजहब उस पर चलेगा हमने उसको बख्श दिया। तो भाई हनफी लोग चाहे एक बार भैया ऊपर नीचे करे या 100 बार करे, उनके वहां सब जायज है। क्यों? क्योंकि बख्शे बख्शा है। उनके वहां तो ये भी लिखा हुआ है, अब मैं क्या बोलूं, अल्लाह माफ करे मेरे को, ठीक है, दुर्रे मुख्तार जो हनफी फिक की मोतबर मेरे भाई किताब है, ठीक है, जिसको बरेलवी देवबंदी, ठीक है, दोनों मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम भी आएंगे तो वो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह भाई वो मतलब भाई हनफी होंगे, अस्तगफुरुल्लाह। वो रसूलुल्लाह के अहले बैत से होंगे, यहाँ तो भाई हनफी ईसा अलैहि होंगे। सलाम जब आएंगे तो भाई वो हनफी मजहब पे अमल करेंगे, तो भाई अब उनका मजहब तो हक पे हो गया ना भाई, हमारा कुरान हदीस अब कहाँ काफी रह गया। क्योंकि ईसा अलैहि सलाम आएंगे भाई, ना तो वो कुरान पे अमल करेंगे ना हदीस पे अमल करेंगे माज अल्लाह, वो तो हनफी मजहब पे अमल करेंगे ना। तो हमारा जी कुरान भाई, जो हमारा कुरान है, जो हम लोग 24 घंटा हम लोग मतलब भाई चीखते रहते हैं कि नहीं भैया कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस, तो उसपे तो ईसा अलैहि सलाम भाई अमल ही नहीं करेंगे इनके हिसाब से, जी वो तो हनफी मजहब पे अमल करेंगे। तो इनका हनफियों के यहाँ सब जायज है, तो इनकी तो मिसाल मेरे भाई देना एकदम बेवकूफी है। अल्लाह रहम करे, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला इन सब बातों से भाई वो बरी हैं, आजाद हैं। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला की इंतकाल के सैकड़ों मतलब जो साल हैं उनके बाद इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला के नाम से ये सब बातें मंसूब कर दी गई हैं, ताकि लोग ज्यादा तादाद में हनफी बने। क्या देखो, अरे इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला के क्या कहने, एक टांग पे खड़ा हो के आधा कुरान, कोई माइकल लाल भाई पढ़ के दिखा दे, एक टांग पे आधा कुरान, मतलब ये नमाज थी या सरकस था या तपस्या थी, ये क्या था? ये एक टांग पे, अरे कोई अपाहिज हो, लंगड़ा हो, टांग कटी हो, टूटी हो, वो एक टांग पे नमाज पढ़े समझ में आता है, दोनों पैर होते हुए एक टांग मतलब भैया उठा के। अब ये लोग क्या करे, जब मेरे भाई अटके तो बोले नहीं 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 अप्पू भाई आप समझे नहीं, ये एक टांग का मतलब जो माना है वो आपने अपनी अकल से ले लिया, इसका सही माना ये है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला जी उन्होंने 2 रकातें पढ़ी, एक टांग पे ज्यादा जोर दिया,
और दूसरी टांग पे ज्यादा जोर दिया, तो ये माना है इसका। लेकिन मेरे भाई इबारत में साफ साफ मेरे भाई उतरा हुआ है, और इनके हनफी आलिम ने कहा है बीच पब्लिक में, उसका वीडियो भी हमारे पास रखा हुआ है, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने एक टांग पहले उसको उठाया हवा में और उसके बाद दूसरी टांग पे नमाज पढ़ा, और दूसरी टांग को उठाया हवा में, फिर पहली टांग पे आपने आधा कुरान पढ़ा। तो यहाँ पे तो बात हो रही है एक टांग पे और एक टांग उठा के, ये नहीं कि एक टांग पे ज्यादा जोर देके। तो ये सब मुगालते भेजा, असल में हमने इनकी इतनी पोले खोली है कि बेचारे परेशान हो चुके हैं और सोचते ये लोग, मतलब हमको लगता है मेरे भाई नमाज में मेरे भाई दुआ भी मांगते होंगे, ए अल्लाह हफू खान मर जाए, फला हो जाए, डमा हो जाए, ये लोग तो हमको लगता है 24 घंटे हमको बद्दुआई देते रहते हैं। और जितने फोन आते हैं मेरे पास इतना, मतलब भाई मेरे ऊपर खार खाए हुए हैं कि अल्लाह रहम करे, जैसे मैंने पता नहीं क्या बात, मैंने कोई अनोखी बात थोड़ी ना बोली भाई, जो किताबों में मतलब भाई वो छप रही है, ठीक है पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, मैं तो उसी को देख के बोल देता हूँ आवाम में, तो लोग मेरे पीछे पड़े जा रहे हैं। अरे कोई मैंने थोड़ी ना छापी है, मैंने तो खाली मेरे भाई जो पहले से छपी हुई किताब थी, जो पढ़ाई जा रही थी, सिखाई जा रही थी, समझाई जा रही थी, वो मैंने आवाम को बताया है। अब आवाम को बताने क्या पाप हो गया, गुनाह हो गया, क्या हो गया भाई, लेकिन सब पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है लगे रहे तो पीछे। को विश्वास नहीं होता, समझते कि झूठी बस बात बना रहे हैं, हम लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं हमारे फिकी का, उसे ही समझते हैं। और कोई पढ़ा तो है नहीं अपना किताब, न अपनी जमात का किताब कोई पढ़ा तो है नहीं, हकीकत मालूम हो नहीं। ऐसा होता है भाई, जब हम जमात में जाते थे तो हमें मतलब भाई ऐसा लगता था, वाह अल्लाह सुबहान तआला आपका लाख लाख एहसान है कि आपने हमें तबलीगी जमात में डाल दिया जो नबियों वाला काम कर रही है, और हम भी मार एकदम जमात में जा रहे हैं खुश कि देखो हम तो दीन का काम कर रहे हैं। और जब तबलीगी जमात के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता था तो मेरा भी खून खौल जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर भी मतलब बीत चुका है, ऐसा नहीं है। तो जब भी इंसान मेरे भाई सुनता है अपने ताल्लुक से तो उसका खून खौलता ही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि भैया कड़वी गोली वो अगर हमने हलक के नीचे उतार ली तो हमारा इलाज हो जाएगा। तो मैंने कड़वी गोली बहुत मुश्किल से भैया अपनी हलक के नीचे उतारी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी बीमारियां हमारी मतलब जो दूर थी, जो अकायद की बीमारी थी, मसाइल की बीमारी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक हो गई, क्योंकि मैंने कड़वी गोली भैया हलक के नीचे उतार ली कि भैया बाप दादा का दीन वो सही है तो वो अल्लाह को ही साथ देंगे, गलत है तो अल्लाह को ही साथ देंगे, मैं अपना दीन तो भैया आसमानी दीन वाला अमल करूंगा, बस ये कड़वी गोली थी मेरी। दुनिया क्या करी, कुछ नहीं। पहले यार पहले तो मालूम ही नहीं था कि हम अहले हदीस हो गए हैं, सीने पे हाथ पहले बांधना स्टार्ट कर दिया, ठीक है रफुल दान करना पहले स्टार्ट कर दिया, उसके साल 1.5 साल बाद हमको मतलब ये पता चला कि अच्छा ऐसे जो करते हैं उनको अहले हदीस कहते हैं। भाई अहले हदीस मतलब देख के मतलब भाई हम नहीं बने, पहले हो चुके थे, बाद में पता चला यार जो ऐसा करते हैं अहले हदीस होते हैं, नाम ही नहीं सुना था अहले हदीस का कभी हमने। नहीं तो हम भी तो सऊदी रहते थे पहले, तो हम भी देखते थे वहाँ पर, तो हम अपने ही तरीका से सब नमाज पढ़ते थे, हमें मालूम नहीं था कि ये लोग कैसे पढ़ते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। तो अपने यहाँ घर पर आए तब भी हम उसी तरह पढ़ते थे, लेकिन जब हमने कुरान हदीस 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 पढ़ी, जब से उसमें जब साफ लिखा दिखे दिखा तब हमें ख्याल रख नहीं, वो लोग जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, हम लोग गलत करें, तब हम चेंज कर दिए अपना तरीका सब, माशाल्लाह माशाल्लाह सब चेंज कर दिए, बहुत दिन से चेंज कर लिए हैं, सब लोग थोड़ा से अफवाह करते हैं हमसे ये हो गए वो हो गए, दुनिया भर का कहने दीजिए उसके क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह पाक के नजर में अगर हम सही कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल रहे हैं, तो दुनिया वाले कहने से कोई फायदा है नहीं। नहीं हमने अक्सर मतलब हमारे पास फोन आते हैं सऊदी अरब से, तो माशाल्लाह काफी लोग मतलब भाई वहाँ पे जाके राइट टाइम हो गए हैं, और यहाँ तक कि मतलब भाई वो लोग कहते हैं यार जब हम सऊदी आए तो हमको पता चला कि दीन क्या है, ये इंडिया में तो हमें दीन ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मानिए अगर 100 लोग जाते हैं सऊदी अरब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 98 लोग एकदम राइट टाइम हो जाते हैं, बाकी जो 2 लोग होते हैं जो जिनको मतलब ही नहीं है दीन से, वो खाली कमाने गए हैं, बस कमा ही रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काफी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाने के बाद उनके जो अकायद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किताबो सन्नत पे आ जाते हैं,
ये मैंने मतलब अभी तक मतलब देखा है इन 3-4 सालों में। लेकिन आप लोग के साथ तो अच्छा ये थी कि आप सऊदी में गए, आपने देखा समझा, लेकिन यहाँ तो हमने तो इंडिया में देखा ही नहीं ना। इधर तो कहाँ हम कुछ तो अपनी नहीं, मस्जिद में इधर जिंदगी में कभी किसी को नबी की जैसे नमाज पढ़ते भी नहीं देखा, नहीं, कभी नहीं, इधर का माहौल है वो खुद ही गरीबी मेरे का। भाई सुन सुना के पढ़ पढ़ा के, कभी उससे पूछा कभी उससे, मेरे भाई दलील मांगी तो कभी ढूंढा तो कभी नहीं मिली, तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब मार्केट में आ रही है, नबी की नमाज कैसी है। अब अल्लाह के नबी के मतलब भाई वो टॉपिक से ठीक है, नमाज के मार्केट में मेरे भाई कम से कम 2500 आ रही है किताब। अब उसमें सभी लोग दावा कर रहे हैं अल्लाह के नबी ऐसे पढ़ते थे, अल्लाह के नबी वैसे पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने ऐसे पढ़ा, अल्लाह के नबी ने वैसे पढ़ा, अल्लाह के नबी ने पहले ऐसा किया बाद में ऐसा छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने कहा आदमी अलग नमाज पढ़े औरतें अलग नमाज पढ़े, मतलब हर तरीके की किताब मौजूद थी। अब उसमें कंफ्यूजन हो जाता था यार, माने तो किसकी माने, सभी लोग कह रहे हैं नबी ने ऐसे नमाज पढ़ी, तो हम कौन से मतलब भाई वो मतलब कौन से मतलब जो तरीका है वाली नमाज पढ़े। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब इंटर पास हुए तो हमारे भाई ने हमको भेजा एक मतलब फोन दिया, पहले तो फोन मेरे भाई था ही नहीं, मिलता ही नहीं था घर पे, एक ही फोन था हम एकदम मतलब जो आते नहीं तो वही हथौड़े वाले सेट, अब उसमें तो वही सांप वाला जो गेम होता था बस उतने खेलो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीमीडिया फोन ठीक है। जब इंटर में मतलब बहुत अच्छे नंबरों से अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए तो भाई ने मतलब भाई तोहफे में दिया, तो उसमें मेरे भाई फिर क्या करे मतलब शुरुआत में तो गाने पिक्चर ये सब देख रहे हैं और जगह जहां जहां जा रहे हैं बस फोटो खींच रहे हैं, मतलब बड़ा शौक चल रहा है कि यार नया फोन है अब पूरा इस्तेमाल करो, दोस्तों के सामने एकदम भौकाल मारो यार देखो मेरे पास तो फोन आ गया कैमरे वाला। बाद में फिर मेरे भाई साल 1.5 साल बाद हमने कहा गाने पिक्चर देख देख के बोर हो गए, और एक दिन मतलब भैया अपना देखते 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 पहुंच गए मेरे भाई डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर पे। अब जब डॉक्टर जाकिर नायक का लेक्चर देखा तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, और उनकी एक बात बस मेरे भैया एकदम जो मतलब जो होता नहीं हावी हो गई कि इस्लाम को जानना है तो भैया मुसलमानों को आज के मध्य को कुरान हदीस को देखो, बस ये जुमले ने मेरी पूरी मेरे भाई जो भी जो अब तक की जिंदगी थी वो सब चेंज कर दी। और उसके बाद अल्लाह सुबहान तआला से दुआ की, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत दिया। अच्छा भाई ठीक है मेरे भाई ठीक है, वो थोड़ा मतलब अहलिया का फोन आ रहा है ठीक है मिनट एक बात जरा भाई, बीवी नाराज हो जाएगी आज उसके साथ जाना है दावत में, आप समझा कीजिए मेरे भाई आप क्या चाह रहे हैं। एक मिनट अच्छा बताइए, हम वो करे फोन किए थे मिर्जापुर वाले जो थोड़ा से झाड़फूंक करते हैं जादू टोना का, उनके बात हुई उनसे तो आएंगे तो उनको खर्चा वर्चा कुछ देना होना पड़ेगा ना, कुछ वही समझना था भाई। वो आप उनसे मतलब डायरेक्ट बात कर लीजिएगा कि भाई आप आ रहे हैं आपकी फीस क्या है। देखिए आमिल जो होता है, आमिल अगर मतलब भाई वो इलाज कर रहा है ठीक है किताबो सुन्नत की रोशनी में तो उसकी जो मतलब जो उजरत है वो एकदम भाई वो जायज है, लेकिन अब अगर कोई अल्लाह के लिए काम करना चाहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भाई वो मतलब भाई कह रहा है कि नहीं हम आ रहे हैं अपना टाइम देंगे वक्त देंगे और आने जाने में भैया पैसा हमारा मतलब भैया मतलब हो जाएगा खर्चा, अगर वो कह रहा है कि नहीं जो आपकी मर्जी हो आप दे दो, तो जो आप मेरे भाई आपको अल्लाह ने आपकी हैसियत दी उसके हिसाब से आप उनको दे दो दिया, और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं भैया मैं मतलब जो इलाज करता हूँ मेरा मतलब भाई इतना मतलब भाई वो फीस है, तो आप पहले उनसे कंफर्म कर लो कि हाँ भाई ये मामला है ऐसा है, अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है इतने में हम भाई आ जाएंगे कर देंगे इंशाल्लाह तो ठीक है, वरना भाई आप लोग आपस में, क्योंकि पैसा बहुत मेरे भैया बुरी चीज है, मैं मतलब पैसों के मामले में मैं भैया अपना हाथ ही नहीं डालता हूँ, जिसका पैसा है वो जाने अपना आपस में भाई बात कर लीजिए। तो उनसे फोन करके तब कंफर्म करके तभी हाँ पूरा देखिए उनको मेरे भाई बुलाने से पहले पूरा कंफर्म मतलब भाई वो पूछ ली, मानिए भाई आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई वो तो आ रहे हैं इलाज कर देंगे और आप सोचे कि चलो इतना दे देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो इतनी दूर से आए इतना खर्चा लगा है और इसमें सामान भी लगेगा, क्योंकि जो आमिर लोग आते हैं ना मतलब भाई वो तरह तरीके से मतलब भाई वो जैतून का तेल और जमजम का पानी और अजवा मतलब भाई वो जो होता नहीं है वो क्या बोलते खजूर और शहद और कलौंजी मतलब वो हर चीज मंगाते हैं ना, अभी आप वो अपने पास से लेके आएंगे तो उसका चार्ज आपसे लेंगे या आपसे बोलेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, या जो भी है भाई आप उनसे बात कर लो
ठीक है, नंबर हमने आपको दे दिया है, आदमी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन अब जी हम पैसों के मामले में भैया भैया हमें बात नहीं पता। नहीं हम बात किए थे, उनसे बात हुई है, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं कि थोड़ा एक दिन और हम बात उत्तर कंफर्म करके तब बुलाएंगे, तो इसे बाद में अच्छा नहीं जी लगेगा। जी बात मतलब आपसदारी में अच्छा जी नहीं लगता है कि अपने जी मतलब जी किसी दीने भाई का पैसे के मतलब ताल्लुक से कोई मतलब जी भाई उसमें वो आ जाए, खटास आ जाए, ना इत्तफाकी पड़ जाए। जी पैसा बहुत बुरी चीज है भाई आज के दौर में। जी चलिए ठीक है, और सब ओके भाई। खैरियत है भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक मतलब एक दोस्त की मतलब भाई वो शादी थी, तो आज उनका मतलब वही है दावत वलीमा, तो वही अब जा रहे थे, तो आपका फोन आ गया, पीछे से मीटिंग भी आ गई फैमिली की। ठीक चलिए है ठीक है, इंशाल्लाह हम निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।